क्वेश्चन थर्ड देखो, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, हमें क्या निकालना है, कोस ए और टेन, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, हमें पता है साइन ए कितना, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3/4, मतलब पी कितना है हमारा 3 और एच कितना है 4, तो ट्रायंगल बना लो, देखो ये ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे नाम लिख दो ए बी सी, बी पे 90 डिग्री ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अल्टीमेट एंगल से फर्क पड़ता है, हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए, ए अगर ए लिया है तो एंगल बी पे ही लेंगे, ध्यान रखना ये थीटा होगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, बेस, और बेस के सामने, तो हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है कितना 3, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 4, हमें मतलब बेस निकालना है, तो फिर वही फार्मूला, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख के दिखाना था, पढ़ना एग्जामिनर सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है, तो एच कितना है हमारा, एच कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है, और पी कितना है, थीटा एक्स से लगता हुआ बेस, हाँ। और परपेंडिकुलर पी कितना है सर 3, हाँ सर 5 होना चाहिए, फिर वो नहीं होगा ना बेटा, 5 ट्रिपलेट नहीं है ये, क्योंकि रट रखा है तुमने, वो 99% लगता है एक जगह, नहीं लगता है, वही ये केस है, एग्जामिनर आपसे एक होश कदम आगे, क्योंकि आपका पेपर ले रहा है, वो ट्रिपलेट हर जगह 99% लगेगा, लेकिन 1% केस बच रहा है ना, वो यही केस है, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, वी स्क्वायर, तो देखो यहां से कितना आएगा 16, और ये 9 प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहां से 7 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू √7, फिर वही अंडर रूट प्लस माइनस √7, तो यहां से प्लस ले नहीं सकते, तो अब प्लस का अंडर रूट 7, सर जब हम लेंथ माइनस में नहीं ले सकते तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते, किसको, नहीं तो लिख के दिखाना है ना आपको, इसलिए सब्जेक्टिव पेपर है, बेस यही है, फंडामेंटल यही है, क्लास 11 में पढ़ोगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर तो दोनों लेने होंगे, तो इसलिए अभी समझ लो, ठीक है, अब यहां से क्या निकालना है हमें, कोस ए, कोस ए, कोस ए क्या होगा, बी अपॉन एच, और बी कितना आया वहां से अंडर रूट 7, और एच कितना है 4, ठीक है, और अगला देखो टेन ए, टेन ए क्या होगा हमारा, बी अपॉन बी, पी अपॉन बी, और पी कितना है हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा ना बेटा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है, यही आंसर है, देख रहे हो, उसने 3, 4, 5 देख के ट्रिपलेट सोचा, वो सही है 3, 4, 5 का बनता है, लेकिन इसमें क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से अटका देगा, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करके आएंगे, इसलिए एनसीईआरटी करो पहले, बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो तब तो हाई फाई करेंगे, है नहीं?